संडे 17 जनवरी के क्विज में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम खेलते हैं LIC का क्विज। कल मंडे को आप लोग 9 बजे आमंत्रित हैं, अभी आप क्विज में आमंत्रित हैं ऑफलाइन क्विज में। पहला क्वेश्चन आया, करनाल की लड़ाई किस वर्ष में हुई थी? तो इसका आंसर है A 1739। मैं बात ज्यादा नहीं करूंगा, आपके क्वेश्चन लग पाऊंगा जल्दी जल्दी। ए को टिक कर लीजिए आप लोग, 1A पहला। नेक्स्ट आ रहा है, कपिल देव ने अपना आखिरी टेस्ट किस टीम के खिलाफ खेला था? तो इसका आंसर है न्यूजीलैंड, B 4। 4 को टिक करें, B 4। पसंद आए तो लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कोलंबिया के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए। तो कोलंबिया के राष्ट्रीय पक्षी का नाम है A इंडियन कॉन्डोर, A 1 1। आराम से लगाइए। चौथा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, चौथे क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन आ गया, किन रक्त वाहिनियों का व्यास सबसे कम होता है? तो फोर्थ क्वेश्चन का जो आंसर है वो है A कोशिकाओं। ए पर टिक कीजिए, 1 पर टिक कीजिए, A 1 1 पर टिक कीजिए। हमारा पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू को समर्पित एक स्मारक है? तो इसका आंसर है शांति वन। ए पर टिक कीजिए, A 1 1 पर टिक कीजिए, ठीक है। छठा क्वेश्चन आ रहा है, शांति के साथ बड़े आराम से जल्दी न करें, टाइम बहुत रहता है। मेरे कहने की बात सोच समझे, उस बात पर लगाए। इनमें से क्या केले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता? पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। तो 6 का जो आंसर है वो आंसर होगा 6 का B पोटेशियम। B 2 2 को क्लिक करें। 7th क्वेश्चन आ रहा है, कैप्री द्वीप कहाँ स्थित है? तो कैप्री द्वीप जो स्थित है वो है B इटली। इटली पर क्लिक करें जल्दी से। B 2 2। एट क्वेश्चन देखिए, एट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सभी जानते हैं सबसे ज्यादा नमक का होता वो है गुजरात। गुजरात को टिक कीजिए, B 2 2। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नवा क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, गोल्डन ईगल, गिद्ध, इनमें से किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? इसका आंसर होगा इजिप्ट, सी। मूवीज में देखा होगा सबसे ज्यादा ईगल ही दिखाए जाते हैं। सी को क्लिक करें, 3 3 सी। और 10th क्वेश्चन है, पोलैंड के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो इसका आंसर है आंद्रेज दुदा, D 4। 4 को टिक करें। सामना है, आपको 1000 पॉइंट मिल गए हैं। आप थोड़ा नीचे आ गया होगा आपका अंक तालिका में नाम, आगे को पहुंच गए होंगे। आप सभी को शुभकामनाएं।